देश में बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराध चिंताजनक है। इसको लेकर स्पीड सोसाइटी, डॉक्टर एवी बालिगा मेमोरियल फाउंडेशन, आशा दीप फाउंडेशन और आभास जैसी संस्थाएं करीब साल भर से सुझाव और डाटा जमा कर रही हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि एक छत के नीचे जब अलग अलग स्टेक होल्डर्स मिलते हैं, जिसमें कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी है, इसमें एनजीओज भी हैं, इसमें हमारे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के सुपरिंटेंडेंट भी हैं, जो हमारे WCD हेडक्वार्टर की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उसमें हमारे जो अधिकारी हैं वो भी हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, DCPCR जो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो भी है, और साथ में जो कोलिजन है, जो नेशनल कोलिजन NAACP का एंड साइबा की जो टीम है, जो इस पूरे NGO को एक साथ एक छत के नीचे लेकर के आ रहे हैं वो लोग भी हैं। तो इसलिए मुझे खुशी है कि जब स्टेक होल्डर्स गहन चर्चा करते हैं गहन मुद्दे पे जो कि बच्चों से रिलेटेड है, तो बहुत कुछ सॉल्यूशंस भी निकल करके आते हैं। सबसे खुशी यह है कि बच्चे हैं यहाँ और बच्चों ने एक अपना चार्टर बनाया है, वो भी 1000 और बच्चों के साथ मिलकर के एक चार्टर बनाया। उस चार्टर में उन्होंने लिखा है कि बच्चों का डिमांड क्या है, बच्चों को कैसे लगता है कि वो ज़्यादा सुरक्षित रह सकते, बच्चे कैसे ज़्यादा खुश रह सके, और उसमें सबकी भूमिका भी है, एक टीचर की क्या भूमिका है, ठीक है, हमारे पॉलिसी की क्या भूमिका है, हमारे प्रोग्राम की क्या भूमिका है, समुदाय की क्या भूमिका है, पेरेंट्स की क्या भूमिका है। और यहाँ पर मैंने जब बात की बच्चों से, यही अपील किया कि आप ये मत भूलना कि तुम्हारी भी उतनी भूमिका है। क्यों? क्योंकि बच्चे चुप चुप हो जाते हैं तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए बच्चों को भी यह बात बताने का एहसास है, यदि वो सुरक्षित नहीं है, यदि वो अपने परिवार में सुरक्षित नहीं है, यदि अपने नेबर्स को वो उन्हें नहीं लगता है कि वातावरण सुरक्षित है, तो बच्चों को बोलना होगा, तो उस चुप्पी को तोड़ना होगा। क्योंकि जो यौन हिंसा होती है विशेषकर बच्चों के लिए, कई बार वह यौन हिंसा इसलिए होती है क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता है और वो इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेता है। तो इसलिए मेरी यह अपील है कि बाकी जो चार्टर्स को देखना ही है, लेकिन बच्चे खुद भी जितने एक्टिव हों और बाकी बच्चों को भी ताकत दें, और बच्चों का पूरा जो ग्रुप है एक दूसरे को बहुत ताकत दे सकता है, जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं। तो इसलिए सभी स्टेक होल्डर जब इस तरह का संवाद करते हैं और वो दिन भर के बाद जब निकलते हैं एक प्रतिबद्धता के साथ कि हमारी भी कुछ भूमिका है, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो बदलाव आता है। थैंक यू। विशेष सचिव एवं DWCD की निदेशक डॉक्टर रश्मि की मौजूदगी में दिल्ली के YWCA हॉल में स्टेट कन्वर्जन लेवल का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे से मिले अनुभवों को साझा किया। एक्चुअली नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, दिस इज द कंट्री लेवल सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म ऑफ साइबाक, साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, एंड साइबाक इज द इंटरगवर्नमेंटल अपेक्स बॉडी ऑफ SAARC. We are actually holding this state level, Delhi state level consultation and the meeting of key stakeholders here. It's basically a convergence between all the stakeholders to end child sexual abuse, and we're focusing in Delhi state. And the whole purpose is that to bring all the stakeholders to a common platform and discuss, debate, and see that how we can give our children a safety net, how we can give a children a friendly environment, how we can give our children a safe environment. And different departments, particularly I must thank to Women and Child Development Department of Government of Delhi. So the WC department is very actively participating in it. We have police officials here. We have officials from different departments of Government of Delhi. And also we have got civil society organizations and other stakeholders also. Different statutory body representatives like CWC, Child Welfare Committees, and others, they are also participating here. Delhi Commission for Child Protection, they are also, Child Rights Commission, they are also participating in this program. So what we feel that we all need to come together, number one. Number two, as an adult, if we do our duty, if we become more responsible and accountability, because we have lots of schemes and programs, but still then children are not safe.
So why they are not safe? Because I think somewhere the adults are failing. Wherever we are, as parents, maybe as parents, maybe as working in different schemes and programs, maybe working in different levels. So I think everybody needs to be accountable, everybody needs to be responsive, and everybody needs to put their efforts together to give our children a safe environment. और आज का ये जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप देखिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्चुअली एक काफ़ी बड़ी चीज़ है और उसमें बहुत तरीके का मतलब स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, जैसे कि गवर्नमेंट हो, द सिविल सोसाइटीज़ हो। इसलिए ये जो कार्यक्रम है बेसिकली ब्रिंगिंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑन द चाइल्ड राइट इशू, द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, स्पेशली जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ये सारी जो इशू है कैसे हम इसको हम निपटा पाएंगे, इसलिए सब स्टेक होल्डर का यहाँ होना जरूरी है। हम आपको बता दें कि इस मौके पर बच्चों ने भी अपनी ओर से पहल करते हुए अपनी ओर से खास सुझाव दिए। नाम सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, परंतु ये एक संगठन है बच्चों का और सभी स्टेक होल्डर्स का। जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो कम्युनिटी, समुदाय के स्तर पे जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि बच्चा जब यौन शोषण से पीड़ित होता है तो वो किसके पास जाए, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, अपने समुदाय में वो किसके पास दौड़े, घर सेफ नहीं है, एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, स्कूल सेफ नहीं है। इसीलिए हमें बच्चों का संगठन करना बहुत ज़रूरी है, उनका अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों ने ऐसे ही कंसल्टेशंस के दौरान जब ये यौन उत्पीड़न के बारे में बातचीत हो रही थी, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो अपने अपने विचार रखे थे और उन विचारों के अंतर्गत कुछ चैलेंजेस उनको दिखे और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन, सुझाव दिए। उन सुझावों में बहुत ही सुंदर और सरल सुझाव थे कि एक सुझाव पेटी रखी जाए और वो सुझाव पेटी ऐसी जगह में हो जहाँ बच्चों को एक्सेस हो उसका। ये जो कंसल्टेशन है एक खास विषय पे है, क्योंकि कोशिशें बहुत होती हैं लेकिन बावजूद उसके हम कहीं ना कहीं इस बात पे रह जाते हैं कि इतनी कोशिश के बावजूद भी अपने बच्चों के संरक्षण को हम सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझको याद आता है 2009 के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, और एक उद्देश्य था कि सिविल सोसाइटीज़ को साथ में लेकर और गवर्नमेंट में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको साथ लेकर, इट वॉज अ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप बेसिकली, दैट इज़ द इनिशिएटिव इट इज़ कॉल्ड। इस तरीके से जितने बच्चों के इश्यूज हैं, और इसीलिए मैं वो सेफ्टी से ज़्यादा प्रोटेक्शन की बात करती हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट द फिजिकल सेफ्टी, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की बात करते तो ओवरऑल जो इनके ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इट्स फिजिकल, इट मे बी बायोलॉजिकल, इट्स इमोशनल वेलबींग, जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, एनी थिंग कम्स आउट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें एक बड़ा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि गवर्नमेंट के अंदर और सिविल सोसाइटी से जितने स्टेक होल्डर्स हैं, दे ऑल कम टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड नॉट ओनली टू डिलीबरेट ऑन द इश्यूज बट आल्सो टू यू नो टू कम अप विद सम सॉल्यूशन, सम रेमेडीज, यू नो कि कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं। आई टेल यू डेली हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट इन वन वे, आई टेल यू। मेरा नाम सुनंद कुमार सिंह है, मैं वर्ल्ड विजन इंडिया से BMZ प्रोजेक्ट में एज ए टेक्निकल स्पेशलिस्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन हूँ, और आज के इस कार्यक्रम का जो मेन सार वो ये है कैसे सरकार, गैर सरकारी संस्थान और समाज के जो और भी लोग हैं वो सब मिलके बाल यौन शोषण को इस देश से ख़त्म कर सकते हैं। इस पे चर्चा के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि हम आने वाले दिनों में एक ऐसी भारत बनाएंगे जिसमें कि बाल यौन शोषण बिल्कुल नहीं होगा। और जो आज का कार्यक्रम हो रहा है जिसकी वजह से हो पा रहा है, NACG वैक इंडिया उसके सेक्रेटरीट जो हैं वो पिकॉक पीपल्स कल्चर सेंटर, वहाँ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मेन पर्पस जो इस अलायंस का है NACG कि सब साथ में आके काम करें, आज वो पॉसिबल हो पाया है। डिपार्टमेंट से लोग हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से लोग हैं, आज सारी संस्थाएँ जो NGOs हम लोग से एफिलिएटेड हैं, सारी तो नहीं लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। और आई एम सो ग्रेटफुल कि बच्चे भी आए हैं, मतलब बच्चों के लिए अगर हो रहा है तो बच्चों का आना बहुत ज़रूरी होता है।
तो एक प्लेटफॉर्म पे ये सारे लोग, एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि कम से कम आए हैं, आगे जो होगा वो एक सेकेंड स्टेप में आता है, बट एक साथ आए हैं उस कॉज के लिए और वो बच्चे भी हैं जिनके लिए काम हो रहा है. तो होप फॉर द बेस्ट एंड इन फ्यूचर आई होप कि ये सारे कंसल्टेशन का इम्पैक्ट हम देख पाएँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आज जो ये कार्यक्रम है, स्पेशली हम लोग जो बच्चे लोग के साथ काम करते हैं, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ जो होता है बच्चों के ऊपर, और आज के दिन में ये हम नहीं सोचते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बच्चों के साथ जो घर में हो, स्कूल में हो, जहाँ पे भी बच्चे लोग, और कोविड सिचुएशन में तो ये काफ़ी बढ़ भी गया, क्योंकि बच्चे स्कूल से अवे है, कम्युनिटी से एक्सपोजर नहीं है, ये घर के अंदर ज़्यादा है. तो ये जो कार्यक्रम है, सारा जो स्टेक होल्डर है, हम लोग ये काम है कि किसी एक का काम नहीं है, कैसे हम सब मिले और मिल के इसका हल निकाले. इसीलिए सब लोग जो स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ आज ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें जैसे पिकॉक, वर्ल्ड विजन, दिल्ली गवर्नमेंट, NSEG जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कंट्री का, तो मिल के ये कर रहे हैं कि आगे बच्चों को कैसा जस्टिस मिले, जैसे उन लोगों को कैसे सेफ्टी नेट में आए, कैसे प्रोटेक्टेड रहे, और कैसे रिपोर्ट भी हो, अगर ये हो रहा है कैसे रिपोर्ट भी हो, और क्या मैकेनिज्म हो कम्युनिटी लेवल पे, जैसे कि हर बच्चा सेफ रहे. स्पीड सोसाइटी, डॉक्टर AV बालिगा, आशादीप फाउंडेशन और आभास, ये तमाम संस्थाएं ग्राउंड जीरो से डाटा इकट्ठा कर रही थी और लोगों से बातचीत के आधार पर इन्होंने कुछ सुझाव भी जमा किए थे. संभव है कि आने वाले दिनों में इनमें से कुछ सुझावों को ध्यान में रख करके नई प्रणाली तय की जा सके. नई दिल्ली से न्यूज़ वर्ल्डर ब्यूरो रिपोर्ट.